हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थर्ड लिस्ट के बाद किस तरह से किया जा सकता है और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे कि आप सबको पता है, आज अपना थर्ड मेरिट लिस्ट लग चुका है। उसमें कुछ बच्चों के नाम आए रहेंगे, कुछ बच्चों के नाम नहीं आए हैं। तो जिनके नाम आए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, वो लोग अपना एडमिशन कन्फर्म कर दीजिए आने वाले 2-3 दिनों में। तो उनका तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें। अभी सवाल है कि जहां पे कुछ बच्चों के नेम्स नहीं आए, 3 मेरिट लिस्ट में भी कहां पे भी अपना कॉलेज अलोकेट नहीं हुआ है, तो क्या करें। देन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 7th ऑफ अगस्त से लेके 14th ऑफ अगस्त के बीच में यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, लेकिन कॉलेज का फॉर्म ऑब्वियसली कुछ कॉलेज के साइट्स ओपन थे तो वहां पे उन्होंने डाल दिया है, लेकिन कुछ कॉलेज के साइट्स ओपन नहीं थे तो उन्होंने वहां पे नहीं डाला है। देन कुछ बच्चे ऐसे है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा लेकिन कॉलेज का फॉर्म शुरुआत से ही नहीं भरा था। तो अभी ये जो 3 कैटेगरी के अलग अलग बच्चे हैं और ये जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, तो अभी इनके सवाल है कि हमारा एडमिशन किस तरह से हो सकता है और कुछ ऑप्शंस है क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस है और आप लोग किस तरह से आपका एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट और मैथ्स रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग के पास क्या ऑप्शंस है। तो पहली बात हम लोग बात करेंगे कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप लोग क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली आप लोग को अभी करने का क्या है, तो कॉलेजेस के जो वेबसाइट से वहां पे जाना पड़ेगा आपको, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालने पड़ेंगे और वहां पे आपको कॉल करके उनके पास सीट्स अवेलेबल है या नहीं ये चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ने उन कॉलेजेस का फॉर्म भरा है तो आप लोग को उन कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके उनके पास सीट्स अवेलेबल है नहीं है ये चेकआउट करना पड़ेगा। अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल है, आप लोग ने उनका फॉर्म भरा है, तो वो आपके लिए वो सीट दे सकते हैं, मतलब आपको वो सीट मिल सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर किसी ने 7 से लेके 14 अगस्त के बीच में फॉर्म भरा है, उनके लिए भी सेम, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने पहले भी कहा था कि आफ्टर थर्ड मेरिट लिस्ट, मतलब 3 मेरिट लिस्ट के बाद ये एडमिशन प्रोसेस, मतलब जिस कॉलेज में अवेलेबल सीट रहेगी वो ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको वही ध्यान देने का है कि आप लोगों ने जिन जिन कॉलेज में अप्लाई किया है उनकी सीट्स ओपन है क्या, मतलब उनका एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ है क्या, उनके पास सीट अवेलेबल है क्या, ये चेक करो और वहां पे अप्लाई कर दीजिए, तो आपको वहां पे सीट्स मिल सकता है। अभी इसके बीच में और एक सवाल है कि अगर ये सब करने के बाद भी, मतलब हम लोग ने 7 से 14 के बीच में फॉर्म भरा है लेकिन अभी अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो कॉलेज में सीट्स नहीं है, या हम लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट तक किधर नाम नहीं आया और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है जिस कॉलेज में हम लोग ने ट्राई किया लेकिन कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो आप लोग क्या कर सकते हो। तो आपके लिए और 2-3 ऑप्शंस है, वो बता देता हूं, आप लोग उसके तरफ थोड़ा सा फोकस करिए। एक तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लो ग्रेड कॉलेज, इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, थोड़े से लो ग्रेड वाले कॉलेज से उनसे बात करिए, उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम सीट्स अवेलेबल रहता है तो आपको सीट्स मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप लोग आइडॉल के लिए थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, क्योंकि आइडॉल का एडमिशन प्रोसेस, डिस्टेंस लर्निंग का प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे सीट्स नहीं मिल रहा है तो पूरा ईयर बैकअप करने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बहुत आइडॉल के लिए वेट कर सकते हो और उसके थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि उनका एडमिशन का प्रोसेस से आप लोग को डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन मिल जाएगा, ताकि आपका साल तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। एंड थर्ड आपके लिए है नाइट कॉलेजेस, ये सब मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बताया है, लेकिन बच्चों के अभी भी डाउट्स है कि सर कुछ तो बता दीजिए क्या करेंगे, तो यही ऑप्शंस मैं अभी आपके सामने फिर से रख रहा हूं कि आप लोग को नाइट कॉलेजेस का भी ऑप्शन है, वहां पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास भी सीट्स अवेलेबल रहती है, वो 6 to 10, मतलब नाइट कॉलेजेस भी नॉट बैड, आप लोग ले सकते हो एंड देन नेक्स्ट ईयर आप लोग चेंज कर सकते हो, वैसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहेगा तो आप लोग नेक्स्ट ईयर नॉर्मल रेगुलर एडमिशन कर सकते हो। और फाइनली ये सब जो है आइडॉल रहेगा, नाइट कॉलेजेस रहेगा या रेगुलर कॉलेजेस रहेगा, ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, तो आप लोग एक दूसरे से मतलब चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग नाइट कॉलेजेस में हो, उससे डायरेक्टली आपको रेगुलर नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लेने का नो प्रॉब्लम, आप लोग ले सकते हो। और वैसे भी क्या होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे फेल वगैरह होते हैं तो उनका सीट्स अवेलेबल रहता है, तो कॉलेज वैसे भी सेकेंड ईयर के दूसरे स्टूडेंट के लिए वो अलाउड करता है, तो आप लोग के पास ये ऑप्शंस है। तो आई होप कि मैंने जो ऑप्शंस आपको बताए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, आई होप कि मैंने जो इंफॉर्मेशन बताई है वो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।